ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 16 प्रयास संख्या 100। तो जैसा हमने प्रसाद के बारे में सुना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ऐसे ही अगर हम हर वस्तु के बारे में सोच पाए कि, और ये सच भी है क्योंकि हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो पावर है, बहुत ही लिमिटेड है। हम लोग उसको मिथ्या, अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझदार व्यक्ति मान लेते हैं और अपने आप को एलिजिबल मान लेते हैं, जिस कारण से जो भी हमें लाइफ में मिल रहा होता है उसके प्रति हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, उसके प्रति हम ग्रेटफुल नहीं रहते। तो उससे दिक्कत ये होती है कि हम कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। हमें जो मिल रहा होता है उसमें हमें कमियाँ दिख रही होती हैं कि मुझे ये तो मिला लेकिन इसमें ये नहीं मिला, मुझे ये तो मिला लेकिन इसमें ये नहीं मिला। और निरंतर हम चिंता में रहते हैं, हमें हमेशा चिंता ही सताती रहती है लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है और हमें वही चीज़ दिखती है क्योंकि हमारा हृदय अनग्रेटफुल है और अपने आप को एलिजिबल मानता है। इस कारण से हमें प्रसाद में कमी दिखती है, हमें भक्तों में कमी दिखती है, हमें जो कृष्ण की कृपा से जो भी हमें सांसारिक चीज़ें मिली हैं उसमें भी कमी दिखती है, आध्यात्मिक चीज़ें मिली हैं उसमें भी कमी दिखती है और हम हमेशा प्रसन्न रह जाते हैं। तो यदि आपको वास्तव में प्रसन्न रहना है, चैंट एंड बी हैप्पी करना है, तो हमें हर चीज़ कृष्ण पर छोड़नी पड़ेगी। वट एवर कृष्णा डज इज़ बेस्ट फॉर अस। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। याद रखिए वो स्टोरी जिसमें एक व्यक्ति की उंगली कट जाती है राजा की, और वो कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णास प्लान। सो वट एवर जो भी हमें जीवन में मिलता है उसको हम कृपा यदि मान पाएँ। आपको याद होगा नारद मुनि की कथा, कि नारद मुनि की माता की मृत्यु हो जाती है और वो अनाथ रह जाता है। संसार में अनाथ रहने में कितने आदमी कितना सोचता है, अरे अनाथ बच्चा हो बेचारा, अनाथ बच्चा, अनाथ है ना, कितना इसके ना तो माँ हो ना पिता हो, ना कोई देखने वाला हो, ना कोई रिश्तेदार हो, ना कोई धन हो, जंगल में रहता हो, एकमात्र माँ ही उसका सहारा, और वो माँ चली जाए तो कितना बड़ा अभागा उस व्यक्ति को माना जाता है। लेकिन ऐसे में नारद मुनि प्रसन्न होते हैं, कहते हैं नाउ आई एम फ्री बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी माता अब चली गई है, अब मैं भगवान की भक्ति करने के लिए फ्री हूँ। और भक्ति करने के लिए उसके पास मंदिर नहीं होता है, सवेरे शाम का प्रसाद नहीं होता है, ध्यान रखिए, हाँ उनके पास बैठने की जगह नहीं होती है, छप्पर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो जंगल में भ्रमण करते हैं, खतरनाक जंगलों में, और करते 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 अल्टीमेटली वो नारद मुनि बन जाते हैं। हाँ, तो उस वक्त अगर ये ना किया गया होता तो तो कई बार हमें जो भी हमारे साथ हो रहा है, इसलिए हम बता रहे थे कि जो सुखी रहने का रहस्य क्या है, सुखी रहने का ये रहस्य है कि जो मिलता है वो भगवान की कृपा है, प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है, और उसमें कैसे हम एक्सटैटिक फीलिंग लेके आ पाए, ये हमारे ऊपर है। कई व्यक्तियों को सब कुछ मिल जाता है लेकिन फिर भी उनके चेहरे लटके हुए होते हैं क्योंकि उनको वो दिख रहा था, अरे ये नहीं मिल पाया, अरे ये नहीं मिल पाया। तो ये प्रसाद की महिमा के लिए नहीं है, प्रसाद की तो महिमा अनलिमिटेड है, लेकिन कृष्ण ने हमें जो भी दिया है वो सब प्रसाद है, सब उनकी कृपा है। ये हम अगर समझ पाए तो हम हमेशा प्रसन्नचित रह सकते हैं। सुकृति शब्द कहे कृष्ण कृपा है तो पुण्य, सही यार हय फैला पाया से ही धन्य। सुकृति शब्द कृष्ण कृपा से संपन्न होने वाले पुण्य कर्मों का द्योतक है। कृष्ण की कृपा से होने वाले पुण्य कर्म, हाँ, जो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होता है वही भगवान के भोजन का शेष पाता है और धन्य हो जाता है। राइट, जैसा हमने चर्चा करा, वो धन्य हो जाएगा व्यक्ति उस साधारण अरेंजमेंट में भी, नहीं तो व्यक्ति हमेशा क्रिबिंग करता रहेगा, क्रिबिंग क्रिबिंग एंड ऑलवेज क्रिबिंग, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये ऐसा क्यों नहीं पाया, माइंड हमेशा परप्लेक्स रहेगा। दिस इज मटीरियल वर्ल्ड, दिस इज नॉट प्लेस वेयर यू कैन गेट द परफेक्शन। यहाँ पर अगर परफेक्शन मिल जाती तो फिर ये मेटल वर्ल्ड क्यों होता। हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ये भी परफेक्ट हो जाए, 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 और हम अपने आप को उसको एलिजिबल मान लेते हैं कि यस इतने के तो हम लिए हम एलिजिबल हैं ही, क्योंकि हमने श्रम किया है, क्योंकि हमने धन दिया है, क्योंकि हमने जो भी दिया है, जबकि जो दिया है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से भाग्यशाली माने अपने आप को,
और धन्य हो जाता है वो व्यक्ति। इसलिए हम बता रहे थे कि प्रसाद को पाने का भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जब हम नाम जपते हैं वो नाम जपने का भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम आरतियाँ करते हैं वो आरतियों करने के पीछे भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुर्दे खड़े हो गए हैं, शमशान से अभी अभी आए हैं और आरती करने खड़े हो गए हैं। हाँ, और जो सिंगर है लीड सिंगर उसने गा के ख़त्म कर दिया है और वहाँ पे सन्नाटा है, तो मुर्दा बोले कैसे? तो यानी कि भाव, इसका मतलब भाव मिसिंग था ना वहाँ पर। जब भाव होता है तो आदमी गाता है कि नहीं? आदमी बाथरूम में गाता है ना गाने, बाथरूम सिंगर, भाव मस्ती छा रही होती दिमाग में। वैसे ही प्रार्थनाओं में हमारा भाव होगा तो मुंह से शब्द अपने आप निकलेंगे। संकीर्तन में यदि भाव होगा तो मुंह से शब्द निकलेंगे। हम संकीर्तन भी मुर्दों का संकीर्तन लगता है कई बार। सब लोग आए हैं अपने दिमाग को सूदिंग रेस्ट देने के लिए। उसके लिए बहुत सारे मंदिर हैं भारतवर्ष में जहाँ पर एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी कुछ नहीं है, केवल एक हॉल है, उसमें शांति शांति शांति। ये शांति ब्रह्म ज्योति का द्योतक है। भगवान के धाम में शांति नहीं है, भगवान के धाम में उनके भक्तों का कोलाहल है। गायों की छन छन टंगी है, जो घंटियां उनके गले पे टन 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 बज रही है, वहाँ निरंतर कुछ कोलाहल है, बड़ा ही मधुर कोलाहल। तो शांति जो है ब्रह्म ज्योति है, ध्यान रखिए। इसलिए इन चीज़ों को कृपा यदि मानेंगे तो मुंह से आवाज़ निकलेगी, प्रसाद में भाव आएगा, आरतियों में भाव आएगा, प्रणाम करने में भाव आएगा, हर चीज़ में भाव आएगा, निरंतर अश्रु प्रभावित होंगे और हृदय बड़ा लाइट रहेगा, प्रसन्न चित रहेगा। ये भाव कोई भी पैसा आराम कन्वीनियंस से नहीं खरीद सकते आप। हम बता रहे हैं कैसे खरीद सकते हो दिल का चैन, सुख चैन। कैसे? हृदय को इतना सरल बनाकर, हृदय को इतना सरल बनाकर कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी चीज़ के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ। यदि ऐसा चीज़ बनाएंगे तो जो चीज़ मिलेगी उसमें इतनी प्रसन्नता होगी वो पूरा दिन प्रसन्नता में जाएगा। सो व्हाट इज़ मोर, क्या बढ़िया है बताइए। बहुत सारी चीज़ों के होने के बाद मुँह लटका रहना, जैसे कईयों के घर में जाते हैं हम, पैर रखते हैं तो चमचमाता फर्श है और सब कुछ है, अब वो हमें देख के घबरा जाता है पहले तो, कि आएगा अब कुछ मांगेगा। हाँ जी कैसा चल रहा है जी? सब बड़ा मंदा चल रहा है जी। और उसका मुंह लटका ही रहता है ऐसा पूरे दिन। हमारे से नहीं, हर से, क्योंकि उसको लगता है कि ये लूट लेगा, ये एम्प्लॉय लूट लेगा, ये इनकम टैक्स का ये वाला लूट लेगा, ये सेल टैक्स वाला लूट लेगा, ये लूट, कोई ना कोई चिपका ही रहता है ना। धन बड़ी समस्या है तो आदमी का मुँह लटका ही रहता है कि लटकाए रखूँगा तो सोचेंगे मरा पड़ा है, क्या है मांगे इससे मरे हुए आदमी से। तो ये बेहतर है, या ये बेहतर है कि हमारे पास कुछ नहीं है, घर के अंदर घुस रहे हैं तो देखा, अरे प्रभु जी कोई सामान नहीं है आपके घर में? प्रभु जी सामान क्या है? ये देखिए स्पेस है, आजकल बड़े बड़े मकानों में स्पेस मिलता है आपको? आपको 200 गज के मकान में भी चलने की जगह नहीं मिलती है। देखिए अब मेरे घर में देखिए स्पेस ही स्पेस है। हाँ, क्या कितना स्पेशियस आपका 1 BHK अपार्टमेंट है, स्पेशियस, जो कि 4 BHK अपार्टमेंट नहीं है। जस्ट एन एग्जांपल कि वो उसमें प्रसन्न है और उसको इस तरीके से देख रहा है, ये तो भगवान की कृपा है प्रभु जी, मुझे तो झुग्गी झोपड़ी में होना चाहिए था, किसी नाली में गटर में मैं सुअर के रूप में पैदा हो रहा होता, यदि मुझे भक्तों ने बचाया होता, ना बचाया होता तो कहाँ का ये 4 BHK, मैं तो नाली में पड़ा होता। तो दैट इज़ अ वे यू थिंक अबाउट इट। वास्तव में अगर व्यक्ति ऐसे सोचेगा तो निरंतर क्या रहेगा, पूरे दिन एक्सटेसी में रहेगा। तो वो एक्सटेसी, वो प्रसन्नता, वो बेहतर है या बहुत सारी चीज़ें होना बेहतर है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी आदमी को जब ये लत लग जाती है ना परफेक्शन की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो कहता है अब ये कमी रह गई, अब ये रह गई, अब ये करा देता हूँ, अब ये करा देता हूँ, तो माइंड हमेशा। तो इसलिए हम कहते हैं ये संसार में, हम जिसका चर्चा कर रहे थे भगवद्गीता के प्रवचन में भी, कि गधों की तरह काम करना इसको कहते हैं। वैन वी ट्राई टू, हम रगड़ते हैं चीज़ों को चमकाने के लिए, रगड़ते हैं ये चमक जाए, वो चमक जाए, ये चमक जाए, थोड़ा चमक जाए, सब चमक जाए, जबकि चमकाना था हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसको घिसना था हरे कृष्ण महामंत्र से। तो इतनी चमकदार वस्तुएं मिलेंगी भगवान के धाम में कि हाँ, कोई धूल नहीं, कोई कालक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। बट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम गेटिंग परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड, देयरफॉर वी आर ऑलवेज मोरोस, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। क्या करें, हमने तो सब कुछ सही किया लेकिन सामने वाले ने गलती कर दी। दिस इज हाउ
ये ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है, हृदय को जितना सरल सिंपल अन एलिजिबल मानेंगे उतना प्रसन्न चित रहेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव खुशी है, प्रसन्नता है, हाँ, जो कि हमें भगवान के धाम में मिलती है या भगवान के शास्त्रों को अनुसार चलने पर मिलती है। चीज़ों में प्रसन्नता होती तो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं आज की डेट में। तो ये आपको समझ, ये सब लोगों को समझने की विषय है। इसलिए बता रहे हैं कि वो भाग्यशाली है जो भगवान का भोजन का शेष पाता है। हम सोच पाते हैं इस बात को, क्यों? क्योंकि हमें लगता है वी आर एलिजिबल। हमने बनाया था, 4 घंटे बैठे थे, ये करा था, वो करा था, ये करा था, कैसा बना, कैसा बना बताइए। उसमें ना वो बड़ा अच्छा था, हाँ वो मैंने बनाया था, कृष्ण का झूठा था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बनाया था। तो ये जो दिमाग में समस्याएं हैं, इस कारण से व्यक्ति एक्सटेसी में नहीं रहता है, आनंद में नहीं रहता है। एत बलि प्रभुता सबारे विदा एव दिला, उपल भोग देखी है प्रभु निजवासा आइला। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने सारे सेवकों को विदा कर दिया। फिर उपल भोग उत्सव के दर्शन करने के उपरांत वे अपने स्थान पर लौट आए। मध्यान्ह करी या कैला भिक्षा निर्वाहन, कृष्ण धरा मृत सदा अंतर स्मरण। दोपहर के कृत्य करने पूरे करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया, किंतु वे लगातार कृष्ण के शेष प्रसाद का स्मरण करते रहे। बाहरी कीर्तन बाहरी कृत्य करें न प्रेमे घर घर मन, कष्टे समवरण करें आवेश सघन। चैतन्य महाप्रभु अपने बाहरी कार्य तो संपन्न करते, किंतु उनका मन प्रेम से पूरित रहता। बाहरी कार्य संपन्न करते, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि आप लोगों को ना ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि यदि आचरण की शेषता क्या करें, संसार के लोग कहते हैं कर्मठ होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप लोग बैठ के सारे भजन करने लग जाओगे तो लोग कहेंगे ये देखिए जी क्या कर रहे हैं ये लोग, इस गलत नहीं है, ये परिवार को नहीं पाल रहे हैं, ये देश को नहीं चला रहे हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमहंस होंगे, लेकिन बाकी लोग अपना कर्तव्य ऊपर से करते रहें, संसार में जीते रहें, चीज़ों को करते रहें, लेकिन अंदर से उनके हृदय में परफेक्शन, इम्प्रूवमेंट, आराम, कन्वीनियंस, ये वो ना हो। अंदर से कौन हो? केवल कृष्ण चंद्र उनके हृदय में हो। ऐसा करना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे हाँ ठीक है, काम तो कर रहे हैं सारे यार, प्रसन्न भी रहते हैं, क्या कर रहे हैं आखिर। क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा ऐसे कैसे चलेगा, फिर दुनिया कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा। क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया को चलाने वाले हम हैं, लेकिन व्हाटएवर, कि भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा भौतिकतावादी है उसको भौतिकतावादी से छुड़ा कर माला कराना बड़ा मुश्किल है, उसको उसी कार्यों के साथ माला कराई जा सकती है। हमें पता लगा, हमें एक हमारे साथ कोई माता जी जुड़ी है, जोड़ी क्या है मतलब, उनको हमारे किसी भक्त ने बोला कि आप एक माला कीजिए, तो उन्होंने एक माला शुरू करी, तो 2-4 दिन बाद आके बोलती है कि क्या मैं ना कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ, तो क्या माला के साथ ड्रिंक कर सकते हैं? तो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, करिए आप माला कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये फीलिंग आना ही दिखाता है कि अंदर से प्योरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वरना ये प्रश्न ही कहाँ से आता है, तो शराब पीने में क्या दिक्कत है। लेकिन प्रश्न आया, इसका मतलब माला ने कुछ हलचल अंदर करी। तो इसलिए समाज में रहते हुए ये सब कार्यों को करते करते लोगों को कृष्ण भक्ति दी जाए और फिर धीरे धीरे उनकी प्योरिफिकेशन हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एंड भगवान सभी लोगों ने ये आदेश दिया कि आप अपने नियत कार्यों को करते रहिए ऊपरी तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर। डोंट थिंक दैट वी आर द डूअर। जैसे कि नारद मुनि की माता चली गई तो नारद मुनि का बुरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि अनाथाश्रय नहीं होंगे तो क्या होगा, तो उस माता का यही नेक्स्ट क्वेश्चन था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी लगती है कि आप लोग भक्तों की सेवा करते हो, ये नाम का प्रचार ये सब करते हो, लेकिन ये जानवरों की सेवा कौन करेगा, इनकी सेवा कौन करेगा? तो ये हाँ, हमें लगता है कि जानवरों को हम पाल रहे हैं, कितने अजीब सी बात है। संसार में कितने करोड़ अरब जानवर होंगे, कितने जानवरों को हमने पाल रखा है बताइए, कितने कुत्ते पाल रखे होंगे हम लोगों ने, कुछ फ्यू थाउजेंड्स, कितने लोगों ने कुत्ते पाले आज तक? एक बड़ी कॉलोनी में कुछ 4-5 लोगों के कुत्ते होते हैं हमने देखा, और वैसे जिनके घर में कुत्ते होते हैं, और गलियों में कितने कुत्ते होते हैं, कौन पालता है उनको, ये प्रश्न है। हाँ, और इसी तरह से तो छोड़ दीजिए, संसार की इतनी स्पीशीज़ को कौन पाल रहा है, कौन पाल रहा है, हाँ बताइए इन सारी चीज़ों को। छिपकली का आहार किसने दिया, गैंडे का आहार किसने दिया, हाथी का आहार किसने दिया, चींटी का आहार किसने दिया? तो हमें लगता है कि हम पाल रहे हैं, तो हमें ये ना सोच के, हम ये सोचें कि ये मुझे करना है दिखाने के लिए, ताकि ये सब लोग भ्रम में रहें कि हाँ। क्योंकि इन लोगों के सामने अगर हम बिना करे जप करने लग जाएंगे ना, तो हमें ढोंगी मानने लग जाएंगे, इन्हें समझ नहीं आएगा कि भजन में सारी ताकत है। इसलिए आप ऊपर से सारी चीज़ों को करिए, लेकिन हृदय में भगवान को रखिए, ऐसा भगवान अक्सर बोलते हैं।
तो उनका बाह्य कार्य संपन्न करते, किंतु उनका मन पूरी तरह प्रेम में पूरी रहता है, वे बड़ी कठिनाई से अपने मन को रोक पाते तो भी वह सदैव गहन भाव से अभिभूत होता। संध्या कृत्य करी पुनः निज गण संगे निभृत वसीला नाना कृष्ण कथा रंगे। अपने संध्या कर्म समाप्त कर लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत स्थान में अपने निजी संगियों के साथ बैठ गए और अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करी। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। हाँ, जैसे आजकल के संसार में लोग पूरे दिन खा मतलब ऑफिस में नौकरी करके घर के काम कर करके जब शाम को बैठता है एक बढ़िया से सोफे में और सामने एसी लगा है और सामने एक बहुत बड़ा टीवी लगा है, उस टीवी के सामने जो बैठ के सीरियल्स देखते हैं तो लगता है ये है आज के पूरे दिन की कमाई, ये आधा एक घंटा का ये जो हम टीवी देख रहे हैं ये है आज के दिन की कमाई। तो हमारा टेस्ट कितना सुपरफिशियल हो चुका है। हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो पहली बात तो सत्य नहीं है, कुछ नाटक, और वो नाटक ऐसे लोगों के हैं जिनका जीवन जिनके जीवन में कुछ ऐसा नहीं है देखने लायक, बट किसी के घर की कहानी है, किसी के घर का षड्यंत्र है। इवन कई बार शिव जी और हनुमान जी पे भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी प्रोग्राम भी जेन्युइन प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, उसके अंदर भी किसी को शिव जी को हनुमान जी को कोई बहुत ही बॉडी बिल्डर आदमी बना देते हैं, उसके बॉडी में कट्स ही कट्स लगे हुए हैं चारों तरफ से, स्मार्ट हैंडसम लेकिन उस सीरियल के अंदर बहुत सारा मसाला ऐड किया जाता है जो कि शास्त्रों से नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ चीज़ों को देखने में हमारा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, हम सोचते हैं यही आनंद है जीवन का, ये बड़ा सुपरफिशियल है, भ्रम है, भ्रम। वास्तव में शरीर भी खराब होता है, कई लोग जो है आप देखेंगे सवेरे स्लीपी स्लीपी सी, आंखें लाल लाल सी, चढ़ी चढ़ी सी, थकान थकान सी, क्यों? क्योंकि रात भर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीवी देखा, लैपटॉप में कुछ देखा, अब अगले दिन वो थके हुए, क्या फ़ायदा हुआ बताइए। आनंद तो हमें और ज़्यादा उत्साहित प्रफुल्लित कर देना चाहिए, अगर हमें कोई आनंद की वस्तु मिले जो कि रियली नरिशिंग है, नरिशिंग, इससे नरिशमेंट प्राप्त होता है ना आनंद की वस्तु से, तो आदमी के अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, क्योंकि उसको आनंद मिला है। लेकिन ऐसे क्या आनंद, आदमी लटका हुआ है, बिल्कुल लटका हुआ है, मरा ही है ऑलमोस्ट। ऐसा चरित्र हमारा डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे, संसार ऐसे ही होता जा रहा है। तो इसलिए इनका क्या आपस में, क्या भक्तों का आनंद क्या है, भक्तों का आनंद है कि साथ में कृष्ण की चर्चा करना। तो ये निजी संगियों के साथ बैठ गए अत्यंत हर्ष के साथ, अब सारे संध्या कर्म समाप्त कर लिए, ये संसार को दिखाने वाले कर्म समाप्त कर दिए, लो जी कर लिया तुम्हारे कहने पर, अब हमें बैठने दो, अब हम बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन क्या करें ऐसे व्यक्ति का जो श्रवण करते हुए भी उसके काम खत्म नहीं हो रहे हैं घर के, बड़े काम है, बड़े लोग परेशान हैं, कई बार लोग अक्सर आते हैं मिलने के लिए, ये चर्चा नहीं करते आजकल हमारा श्रवण अच्छा नहीं हो रहा है, कि क्या करें प्रभु जी ये समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें, ये काम है वो काम है, ये घर में काम वाली आती थी ये नहीं चल रही है, मशीन ठीक नहीं चल रही है, घर में यहाँ से लीकेज है, ये बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चिंतन ही इन्हीं चीज़ों का है, तो कहाँ से उसके हृदय में प्रसन्नता होगी। हम लोग अपनी दीवार में पढ़ने वाले एक एक दाग के लिए बड़े परेशान हैं, लेकिन अपने मन में पढ़ने वाले दाग का ढेर कालक के लिए परेशान नहीं, कितनी अजीब सी बात है। हम अपने अनर्थों के लिए परेशान नहीं है, लेकिन अपने दीवारों, अपने फर्शों, अपने कपड़ों के लिए परेशान है, उनमें दाग ना लग जाए, कितनी कैसे आदमी प्रसन्न होगा बताइए। ये क्या ये उसी पिंजरे को रंगने के समान नहीं है? इतना सुनने के बाद भी ये वैसे ही हो गया जैसे शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसको चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है, साधु ने बताया चिड़ियाओं को और चिड़िया एक गाना सीख गई, संसार दावा लली डलोका कारुण्य घना घनत्वम, मतलब कोई ध्यान, कोई कंसंट्रेशन, कोई भाव, कोई प्रार्थना है ही नहीं, वो सब चिड़िया की तरह बोल रहे हैं हम, चिड़िया तोते की तरह, शिकारी आएगा दाना डालेगा हाँ उसमें तुम्हें फंसना नहीं, और जा रही हैं बैठ के खा रही हैं जाल के ऊपर दाना खा रही हैं और क्या रही हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा उसमें तुमको फंसना नहीं। थोड़ी देर में शिकारी ने कहा अब तो तुम सब फंस गई हो,
तुमको खाऊंगा गाना गाते गाते। शिकारी ने पकड़ा जाल, उठा के ले गया, और वो इतनी मूर्ख है फिर भी गा रही है। शिकारी आएगा, ओह साधु वहाँ से निकला, साधु ने सर पकड़ लिया, क्या क्या सिखाया मैंने इनको जिंदगी भर में, क्या फायदा हुआ इस सब सीखने का। फिर हमारी चेतना वहीं पर है, लाइक अ स्टूल इंसेक्ट, उसको कहते हैं कि एक सिंहासन पर बिठा दो ना, वो रेंगता ढूंढेगा कहाँ मिलेगा मल, कहाँ मिलेगा मल, और फिर मल के अंदर घुस जाएगा, घुस ही जाएगा उसके अंदर। तो क्या चेतना रहेगी हमारी, क्या जिंदगी में प्रसन्नता रहेगी हमारे, रहेगी क्या, जोश रहेगा क्या, मुर्दों की तरह नहीं घूमेंगे हर जगह। यही कारण है क्यों हमारे चिंताएं चिंतन ही नहीं बातों का है। हम साथ में भक्तों के साथ बैठ के हर्ष के साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर पाएंगे, ऐसी कोई सुविधा हमें मिल रही है, भक्त लोग एसोसिएट हो रहे हैं, उसके बारे में कोई चिंतन नहीं है। चिंतन इन्हीं चीज़ों का है, और ये चिंतन चिता के समान है। इसलिए इस पर विचार कीजिए, महाप्रभु के लिए। माँ कह रहे संध्या कर्म समाप्त, सारे कर्म समाप्त किए और अब बैठ गए अपने निजी संग, आओ बैठ के कीर्तन करें, आओ बैठ के चर्चा करें। हाँ, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इसलिए तो कहते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या हो गया, हमने दिया तो हमें मिला, हमने ये किया तो हमें मिला। आप लोग ठगे जा रहे हैं, हम सब लोग ठगे जा रहे हैं इस माया में। प्रभु रंगीते गोविंद प्रसाद अनिला, पूरी भारत तीर प्रभु के छुपटा इला। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेत पर गोविंद भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आया। महाप्रभु ने कुछ प्रसाद परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के लिए भिजवाया। ये भी देखिए, देने का भाव हम देखते हैं, इन्हीं चीजों में प्रसन्नता है। वास्तव में आजकल का कल्चर है प्रसाद को रख लो, बटोर लो, शाम को मेरा बेटा खाएगा दोबारा से, वहाँ से पति खाएगा, कल परसों तरसों तीन चार दिन का काम हो जाएगा। कहीं पे वो मिल रही है, क्या कहते हैं उसको, सौंठ मिल रही है, बोतल में भर लेते हैं, एक हफ्ते तक हमारे घर में सौंठ की कमी नहीं रहेगी। सो द टेंडेंसी इज टू एक्यूमुलेट, लालच ग्रीड, टेंडेंसी इज नॉट टू गिव, टेंडेंसी इज टू एक्यूमुलेट। इसलिए भी प्रसन्नता नहीं आएगी। कैचअप तो मिल गया आपको, सौंठ भी मिल गई एक हफ्ते के लिए, लेकिन फिर भी आप देखोगे चेहरा लटका ही हुआ है, क्योंकि अब जो चीज़ नहीं मिली उसके पीछे, वहाँ पे ऐसा हो रहा था, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा, मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी चिंता ही, उसका फोकस ही मैं हूँ, उसका फोकस कभी आप रहे ही नहीं। भगवान तो बहुत दूर की बात है, गुरु भी दूर की बात है, अभी तो आसपास के लोग भी फोकस में नहीं है। यहाँ पर महाप्रभु प्रसाद मिलता है, महाप्रभु भिजवा देते हैं, जाइए परमानंदपुरी को दीजिए, ब्रह्मानंद भारती को दीजिए, रामानंद सार्वभौम स्वरूप आदि गणे सबार प्रसाद दिलक करिया बंटन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का कुछ अंश रामानंद राय को दिया, कुछ सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिया, और अन्य सारे भक्तों को दिया। प्रसाद एर सौरभ्य माधुर्य करी या स्वादन, अलौकिक आस्वादे सबार विस्मित है लमन। जब उन सबों ने प्रसाद की असाधारण मधुरता तथा सुगंध का आस्वादन किया तो हर एक का मन आश्चर्यचकित हो गया। अब आपको बता दें, हम सच बात तो ये है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऑल दो प्रसाद तो दिव्य ही है, ये सब भी सोचने का विषय है कि हम इसको कैसे सोचें। ये दिव्यता सब भाव से आती है ना, वरना वो सुगंधित और वो अत्यंत स्वादिष्ट प्रसाद क्या है। अब मैंने कितने लोगों को देखा है, जो लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो लोग अपने घरों में रहते हैं, उनकी वाइफ मतलब अगर प्रसाद बनाती है तो कभी उसको अच्छा नहीं कहते, क्योंकि वो हार्ड कोर मेटेरियलिस्टिक लोग हैं। वो कहते हैं क्या बर्बाद कर दिया तूने, ये क्या बनाती है, क्या घास फूस खिलाती है। अब वही प्रसाद किसी को दिव्य लग रहा है कि नहीं, तो जीभ के टेस्ट है ना, जीभ ने टेस्ट कैसा, टेस्ट क्यों आ रहा है जीभ में, जीभ का टेस्ट चिंतन पे आता है। माना आपको एक गुलाब जामुन मिलता है जिसमें पानी लप 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 करके वो लप टपक रहा है उसकी चाशनी, और आपको कोई ये बता देता है कि ये जो है एक कुत्ते ने गलती से खा लिया था, उसको मारा तो उसने मुँह से फटाक से निकाला तो बाकी के पतीले में गिर गया जिसमें सारे गुलाब जामुन पड़े थे। अब सोचिए वही गुलाब जामुन क्या जाएगा मुंह के अंदर, अब तो टेस्ट बताइए, दिमाग में क्या आएगा, कुत्ते की लार, फेंको फेंको फेंको, ऐसा आएगा कि नहीं, बताइए। इसका मतलब जीभ में टेस्ट कैसे आया, चिंतन से आया, और वही ओ कृष्ण की लार,
अद्भुत, छाट जाओ इसको। तो सब चिंतन पे है। हाँ, जो बच्चे आप देखिए, कई बार बच्चे कई सब्जियों को नहीं खाते हैं, वो सब्जियाँ टेस्टी बनी हो चाहे कितने भी, वो खाते नहीं, क्योंकि मन में एक थॉट बना रखा है। ओ टेंडा, उस थॉट बना हुआ है। अब वो बहुत बढ़िया भी बनाओ ना, ज़बरदस्त, वो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चिंतन ऐसा डेवलप हो चुका है। ये सब कुछ चिंतन पे है इसलिए। और हम लोग चिंतन करते नहीं, क्योंकि हम मशीन है, मशीन की तरह जीते हैं। इतना जोर ही नहीं डालते कभी दिमाग के ऊपर, इतना हमारा दिमाग ठस हो गया है, जानवर की तरह, गधे की तरह हमारा दिमाग ठस हो चुका है, क्योंकि घिसा ही नहीं दिमाग को कभी। दिमाग आता है, सोता रहता है, वो कक्षा में भी सो रहा है, होपफुली कई लोग प्रवचन सुनते हुए भी सो ही रहे होते हैं। दिमाग इतना ठस हो चुका है, अब ठस आदमी जाएगी, जब किसी को क्लास में कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो सो जाता है, बिल्कुल तय बात है। स्कूल के अंदर भी वैसे ही, प्रवचन में जब कुछ बातें इतनी चोट नहीं डाल रही होती दिमाग में, जिसके दिमाग में चोट लग रही हो, मैं यहाँ पे अगर हथौड़ी से ठोकूंगा तो आप सो पाओगे, ऐसे जब विचार यहाँ ठोक रहे होते हैं ना, तो नींद नहीं आती है। लेकिन वही बात होगी कि भैंस के आगे बीन बजाएं, भैंस कहीं में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए चिंतन बड़ा जरूरी है। बार बार यही कह रहे हैं कि भक्तों ने असाधारण मधुरता सुगंध का आस्वादन किया। हम भी गए हैं कितनी बार जगन्नाथपुरी में, हमने भी जगन्नाथपुरी का प्रसाद पाया है, हमें तो नहीं, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बदल गया। जगन्नाथ जी बदल गए क्या आज की डेट में, 500 साल में बदल गए? हाँ, जगन्नाथ जी के प्रसाद में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। क्यों महसूस नहीं होती है? कि हमारा दिमाग में समस्या है। इन्होंने असाधारण मधुरता और सुगंध का आस्वादन किया, तो हर एक का मन आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु कहे यही सब है अप्राकृत द्रव्य, एक शव कर्पूर मरीच इलाइच लवंग गव्य, रसवास गुणत्वक आदि यत सब प्राकृत वस्तुर सबार स्वाद सबार अनुभव। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चीनी, कपूर, काली मिर्च, इलायची, लौंग, मक्खन, मसाले, मुलैठी, ये सभी तो भौतिक वस्तुएं हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं का स्वाद प्रत्येक ने पहले लिया है, लेकिन फिर भी इतना आनंद क्यों आ रहा है? कई लोगों को लगता ही है, कई लोग जो सात्विक होते हैं उनको प्रसाद खिला दो तो कहते हैं ये प्रभु जी कुछ डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर, कुछ तो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वो कृष्ण का प्रसाद है, ये भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, व्हाटएवर। जैसे कि कई लोग जब आते हैं भक्तों के बीच में, कहते हैं क्या अद्भुत माहौल है प्रभु जी, एक हफ्ता दो हफ्ता, ऐसा नहीं एक ही दिन, एक महीने रहते हैं, प्रभु जी ऐसा माहौल, मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, मुझे कभी मत निकालना, मेरे साथ ऐसा हो रुका है। कई लोग आते हैं कि प्रभु जी जन्मों के बाद आप मिले, पैर पकड़ लिए एकदम से, छोड़ूंगा नहीं, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। फिर हुआ एक महीना, हुआ दो महीना, हुआ फिर सब चीज़ ग्रांटेड लेने लगे, अधिकार समझने लगे, फिर कमियां दिखने लगी इसमें उसमें इसमें, और फिर धीरे धीरे चले गए। जो व्यक्ति कहता था कभी छोड़ना मत, वो खुद ही चला गया। ये समस्या है कि जो माहौल हमें इतना अच्छा लग रहा था, उसी माहौल में क्या हो गया अचानक से, क्या माहौल बदल गया? नहीं, उसके बाद दो महीने बाद ये प्रभु जी चले गए, माना। और कोई नया प्रभु जी आते हैं, वो कहते हैं क्या माहौल है, क्या माहौल है, क्या माहौल है, हाँ, चार महीने बाद वो चला है। तो इसका मतलब क्या हो, माहौल तो वो चल रहा है, तभी तो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन अब हमें लग रहा है अब तो ये मिल गया, अब बताओ क्या और क्या मिलेगा, ये तो मिल गया मुझे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज नाउ, टेल मी व्हाट एल्स यू कैन गिव मी। ये दिल मांगे मोर, देना नहीं चाहते हम लोग, सिर्फ मांगना चाहते हैं। मांगने वाले को हर जगह बुरी ही लगेगी थोड़े दिनों बाद, कौन देगा ये देने के लिए थोड़ी है। और ध्यान रखिए, जो भी भक्तों का एसोसिएशन है, हमने बनाया है, या कहीं पर भी इस्कॉन के भक्तों ने बनाया है, वो देने के लिए नहीं है आपको कुछ। ये भ्रम में मत आइए कभी भी भक्तों के संग में। कई लोग हमें बोलते हैं ये तो फैमिली है ना प्रभु जी, तो फैमिली है तो फैमिली में जाइए, फिर रिश्तेदारों के साथ रहिए, वहाँ डिमांड कीजिए। दिस इज़ फॉर सर्विंग कृष्णा, नोबडी एल्स। अगर आपकी केयर हो पाएगी वेरी गुड, नहीं हो पाएगी तो केयर फॉर कृष्णा। केयर के लिए भी मत आइए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मेरी केयर कैसे हो पाएगी? वी आर नॉट हेयर टू गिव हॉस्पिटैलिटी, वी आर नॉट इन टू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, टू केयर यू एंड एवरीबडी, वी विल केयर यू अलॉन्ग विद सर्विंग कृष्णा एंड गुरु एंड प्रभुपाद। आवर मिशन इज टू सर्व द गुरु परंपरा। जो भी गुरु परंपरा को सर्व करने के लिए हैं वो आइए, जो अपनी केयर कराने के लिए हैं वो ओबेरॉय होटल में जाइए, ताज में उठ जाइए, वहाँ केयर करी जाएगी आपकी, और फिर यमराज केयर करेंगे अच्छे से। तो ये समझना पड़ेगा कि वी आर ऑलरेडी गेटिंग बेनिफिट्स इन बाय वे ऑफ श्रवण कीर्तन वैष्णव संघ, चारों तरफ वैष्णव का दिखना, ये कलयुग में एक रेयर चीज़ है वैष्णवों का दिखना।
लेकिन हमें रोज दिखते हैं तो, तो यही कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे चतरे बाबू, काली मिर्च ये वो ये सब भौतिक वस्तुएं तो हैं, इनका स्वाद तो पहले भी ले लिया है। प्राकृतिक शब्द उन वस्तुओं का द्योतक है जिसका स्वादन बद्ध जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, ऐसे पदार्थ भौतिक नियमों से सीमित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाह रहे थे कि भौतिक वस्तुओं का स्वाद भौतिकता में लिप्त लोगों को पहले से ही ज्ञात होता है जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, लेकिन सही द्रव्य एक आस्वाद गंध लोकातीत आस्वाद कर या देखकर सबार प्रतीत। महाप्रभु ने कहा किंतु इन वस्तुओं में असामान्य स्वाद और सुगंध है, ऐसा कैसे? जरा चखो और अंतर का अनुभव करो। ये तो प्राकृत वस्तु है, इन प्राकृत वस्तुओं में ये अप्राकृत स्वाद कहाँ से आ गया? इसलिए कहते हैं कृपा तो मिल रही है, क्या हम ले रहे हैं? कृपा कर दो। अरे कृपा तो बह रही है नदी में, ले लो उसमें से लोटा डाल के जमर जी। लेने वाला ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। वो कहते हैं मेरे घर में एक नाली बना दो, ये पानी मेरे घर तक पहुँचा दोगे प्रभु जी? मेरे नल को मैं टैप खोलूँ? क्योंकि ये जमाना अब ऐसा हो गया ना, पहले आदमी पानी लेने जाता था दूर दूर तक घड़े भर के, अब मेरे घर में नल खोलता हूँ तो उसके नीचे पानी टपकता है। हाँ, तो इसलिए दिमाग वैसे ही हो गया है, ये जो कृपा वहाँ तक बह रही है प्रभु जी, वो घर तक ले आओगे प्लीज़? घर आ जाओगे, अपने घर हमारे चरण में डाल दोगे, घर के चरण हमारे डाल दो, मेरा बिजनेस चल पड़े, मेरा घर चल पड़े, मेरा ये हो जाए। अगेन इसमें भी प्राप्त करने की इच्छा है। ध्यान रखिए कालिदास वो देने जाता था घरों में, और जो फेंक देते थे उनको प्राप्त करता था। उसका भाव वो जूठन लेने का भी नहीं था, उसका भाव था वो फेंकी हुई चीज़ को लेने का। तो ये जब भाव रहते हैं तो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, तो उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। नहीं तो हमें समूह लटका रहता है, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला। तो इसलिए हम भाई बोल रहे हैं आपको, वी आर नॉट इन टू दिस बिजनेस हेयर, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। आप यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं खोल सकते। हाँ, कस्टमर केयर है आपकी, उसमें हम कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, देन जाइए वहीं पर जाइए। यहाँ पर किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, वी हैव टू सर्व श्रील प्रभुपाद, और उसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हाँ, इसका लाभ कई सालों बाद आपको समझ में आएगा। जो कंज्यूमर केयर के चक्कर में पड़े रहेंगे उनको भी कई सालों में समझ पाएगा कि मैंने ये क्या कर दिया अपने जीवन में, कहाँ बर्बाद कर दिया जीवन को। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कैसे प्राकृत चीज़ों में भी अप्राकृत स्वाद मिल सकता है, उसके लिए वो भावना, वो चेतना डेवलप करने की ज़रूरत है, जो इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।